दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। मध्य युग को मनुष्य के इतिहास का सबसे बर्बर युग माना जाता है। इस काल में अनेकों बर्बर लड़ाइयां लड़ी गई। अपने दुश्मनों, विद्रोहियों या कानून तोड़ने वालों को सजा देने के लिए ऐसे वैशी तरीके इस युग में इस्तेमाल किए गए, जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज इस वीडियो में हम आपको मध्य युग में सजा देने के कुछ ऐसे ही खौफनाक तरीकों के बारे में बताएंगे। 15वीं सदी में किंग वेलाद III रोमानिया का राजकुमार हुआ करता था, जिसे ड्रैकुला और वेलाद द इंपेलर के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद जालिम था। जुर्म साबित होने पर वह धारदार पोल को पीड़ित की शरीर के आर पार करने का हुक्म सुनाता था। पोल की मोटाई इतनी होती थी कि उसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। जिस शख्स को यह सजा मिलती थी उसे जबरदस्ती धारदार पोल पर बैठाया जाता था और पोल धीरे धीरे उसके शरीर को चीरता हुआ निकल जाता था। आमतौर पर पीड़ित को पोल पर इस तरह बैठाया जाता था कि पोल का नुकीला हिस्सा शरीर को होता हुआ ठोड़ी पर आकर एक बार रुक जाए और फिर धीरे धीरे ठोड़ी की हड्डी को भी पार कर जाए। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुजरिम ज्यादा समय तक तड़पता रहे। इस तरह से पोल लगाने से 3 दिन तक तड़पने के बाद आखिरकार पीड़ित की मौत हो जाती थी। कहा जाता है कि वेलाद ने अपने शासनकाल में 20,000 से लेकर 3,00,000 लोगों को यह सजा दी थी। वेलाद इस कदर जालिम इंसान था कि खाना खाते समय उसे ऐसा देखने में बहुत मजा आता था। जरा सोचिए तब हैवानियत किस कदर सिर चढ़कर बोलती थी। जूडस क्रेडल एक बार देखने में धारदार पोल से भले ही कम खतरनाक लगे, लेकिन ये इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने वाला हथियार था। लोगों को नंगा करके इसमें बैठाया जाता था। पीड़ित को तड़पाने की ये प्रक्रिया बेहद खौफनाक होती थी। पीड़ित को 3 जगह से बंधे रिंग नुमा खाली सीट पर लटका दिया जाता था, फिर इसके नीचे जूडस क्रेडल को लगाया जाता। इस दौरान पीड़ित के पैर को रस्सी से बांध दिया जाता था, जिसे नीचे खड़े कुछ लोग पकड़े रहते थे। सजा का आदेश मिलते ही लोग रस्सी को एकदम से खींच देते। गौरतलब है कि महिला को उल्टा और पुरुष को सीधा इस जानलेवा हथियार पर बिठाकर सजा दी जाती थी। इस सजा के दौरान लोग घंटों तक रस्सी को खींचते रहते थे। कभी कभी दर्द को बढ़ाने के लिए पीड़ित पर कुछ वजन भी लटका दिया जाता था। मध्य युग में कॉफिन प्रताड़ना काफी प्रचलित सजा होती थी। अगर आपको ध्यान हो तो किसी हॉलीवुड फिल्म में आपने इस तरह से सजा देते हुए जरूर देखा होगा। इसमें पीड़ित को एक पिंजरे में कैद किया जाता था ताकि वह अपनी जगह से हिल ना सके। इसके बाद पिंजरे को किसी पेड़ से लटका दिया जाता था और ऐसे में पीड़ित को या तो आदमखोर जानवर काट खाते या फिर वह पक्षियों का शिकार बन जाता था। हालांकि देखने वाले पीड़ित का दर्द और बढ़ाने के लिए उस पर पत्थरों से भी हमला करते थे। इस तरह की सजा ईश निंदा जैसे गंभीर अपराध के लिए दी जाती थी। आपको बता दें कि ईश निंदा धार्मिक या पवित्र लोगों से संबंधित चीजों के अपमान को कहते हैं। द रैक, जिसे हम सामान्य भाषा में हड्डी तोड़ने वाला बिस्तर कह सकते हैं, मध्य युग में इस प्रताड़ना को सबसे दर्दनाक सजा माना जाता है। यह हथियार एक लकड़ी का फ्रेम है जिसमें लकड़ी के 2 पट्टे ऐसे होते थे जो एक लीवर के सहारे ऊपर की ओर उठाए जाते थे। लीवर इस बिस्तर के दोनों ओर होता था। दोनों पट्टों पर नुकीली कीलें हुआ करती थी। सजा देते समय पीड़ित के हाथ पैर बांध कर उसे इस पर लिटा दिया जाता था।
फिर शुरू होता था प्रताड़ना का खेल। इस बेड के दोनों ओर एक एक व्यक्ति लीवर को मजबूती से उठाते और जैसे जैसे पट्टा उठता पीड़ित की हड्डियां कड़कड़ाहट की आवाज के साथ टूटती जाती। ये खेल तब तक चलता जब तक पीड़ित दम नहीं तोड़ देता था। ये सजा केवल महिलाओं को दी जाती थी। अगर कोई महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाती हुई पाई जाती या फिर उस पर इस तरह का आरोप साबित होता तो इस हथियार के जरिए उसे प्रताड़ना दी जाती थी। इस रिपर को महिला के ब्रेस्ट से लगाकर जोर से दबा दिया जाता था। हालांकि हैवानियत की इंतहा इतनी ही नहीं, चिमटा नुमा इस हथियार को आग पर गर्म किया जाता था। इस प्रताड़ना के दौरान पीड़ित के उभार को पूरी तरह से निकालकर बाहर किया जाता था। इस सजा में अधिकतर महिलाओं की मौत हो जाती थी और जो जिंदा बचती थी उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती थी। इस तस्वीर में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटा सा ये हथियार पीड़ित के लिए कितना दर्दनाक साबित हो सकता है। इस हथियार का इस्तेमाल बच्चा गिराने वाली महिलाएं, झूठ बोलने वाले लोग और होमोसेक्सुअल लोगों पर होता था। ये नुकीला हथियार ऊपर लगा पेच घुमाने पर चार हिस्सों में बट जाता है। इस हथियार को झूठ बोलने वाले लोगों के मुंह में, अबॉर्शन कराने वाली महिलाओं की योनि में और होमोसेक्सुअल लोगों की गुदा में डालकर इसके पेच को घुमाया जाता था। जैसे जैसे पेच को घुमाया जाता यह और बड़ा होता जाता था, जिससे कि पीड़ित को असहनीय दर्द होता था। फिर उसकी खाल फट जाती और हड्डियां टूट जाती थी। अंत में पीड़ित की मृत्यु हो जाती थी। ब्रेकिंग व्हील को कैथरीन व्हील के नाम से भी जाना जाता था। इसके जरिए पीड़ित को इतना तड़पाकर मारा जाता था कि देखने वालों की रूह भी कांप उठती थी। पीड़ित को व्हील से बांधकर उस पर हथौड़े से तब तक वार किया जाता था जब तक उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट नहीं जाती। फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। कभी कभी पीड़ित को एक ऊंचे व्हील पर रखा जाता था ताकि पक्षी उस अपाहिज इंसान को जिंदा ही खा लें। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन पर दया आ जाती उनकी सिर्फ छाती और पेट पर ही हथौड़े से वार किया जाता था, लेकिन पीड़ित किसी भी सूरत में जिंदा नहीं बचता था। ये सजा पीड़ित को किसी गंभीर अपराध के लिए दी जाती थी। इसमें एक खंभे के सहारे पीड़ित का पैर बांधकर उसे लटका दिया जाता था। उल्टा इसलिए लटकाया जाता था ताकि उसके दिमाग को ब्लड सप्लाई चालू रहे और वह इंसान ज्यादा समय तक जिंदा रहे। उसके बाद एक बड़ी आरी लेकर उसको बीच में से धीरे धीरे काट कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, या फिर किसी मुजरिम को पूरे दो हिस्सों में काट कर मारा जाता था। नाम से ही स्पष्ट है कि ये हथियार पीड़ित का सिर कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस हथियार का इस्तेमाल स्पेन में किया जाता था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि टोपी जैसा दिखने वाला यह यंत्र इंसान को तड़पाने के लिए बनाया गया था। पीड़ित का सिर इस टोपी से जकड़ दिया जाता था। इसके बाद एक व्यक्ति धीरे धीरे लीवर को घुमाने लगता था, जिससे टोपी से लगे रॉड पास आते जाते फिर एक झटके में पीड़ित का सिर आवाज के साथ फट जाता था। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।